हाय गाइस, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई होप आप सब फिट होंगी और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। आज मैं आपको गुल मेहंदी प्लांट के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। तो चलते हैं हमारे गुल मेहंदी के प्लांट की ओर। हाँ तो गाइस, ये है हमारा गुल मेहंदी का प्लांट। इसे कुछ दिनों पहले मैंने सीड के थ्रू ग्रो किया था और जिस दिन मैंने सीडलिंग्स की थी तो उस दिन मैंने वीडियो में बताया था कि क्या कुछ मैं सीड के थ्रू ग्रो कर रही हूँ। गुल मेहंदी को बालसम भी कहा जाता है और ये बारिश के मौसम का एक स्पेशल फ्लावर होता है, इसलिए इसे हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। और एक बार अगर आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो हर साल ये आपके गार्डन के अंदर बना रहेगा। इसे आप किसी भी सीड विक्रेता से या फिर ऑनलाइन इसके सीड्स परचेज करके मंगवा सकते हैं। बीजों से ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। इस तरह की जो स्टेम्स है हम इसे कट कर देंगे और यहाँ से एक या दो नोड एरिया जो है वो मिट्टी के अंदर दबा देंगे और आसानी से उसमें रूट डेवलप हो जाएंगी। इस तरह से ये पौधा बहुत ही इजी टू केयर और इजी टू मेंटेनेंस होता है। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और साथ ही इसका प्राइस भी कुछ खास नहीं होता है। 25-30 रुपए में ये नर्सरी पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है और पूरे मानसून सीजन में फूलों से लदा रहता है। अभी मेरे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। इसके ऊपर लाल, गुलाबी, सफ़ेद, ऑरेंज, बैंगनी, मैजेंटा आदि कलर के बेहद चटक रंगों के फूल खिलते हैं जो इसकी तने के ऊपर लगते हैं। ये देखिए, बिल्कुल तने से जुड़े हैं इसके ये फ्लावर्स और बंचेज में लगते हैं। ये इसके ऊपर इतने सारी बर्ड्स आई हुई हैं। ये फ्लावर्स सिंगल पेटल और डबल पेटल के होते हैं। जब फ्लावर सूख जाता है तो फ्लावर की जगह इसके अंदर सीड पॉड बनता है जिसमें भूरे रंग के ढेरों बीज होते हैं। इन्हीं बीजों के पकने पर जब हम पुनः इन्हें मिट्टी में बिखेर कर वापस से उगाकर नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। इसे छाया में भी लगाया जा सकता है और धूप के अंदर भी। ये शेमीशेड के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। इसे आप बालकनी में, टेरेस पर, हैंगिंग प्लांटर, किसी भी जगह इजीली लगा सकते हैं। इस प्लांट के ऊपर भौंरे, मधुमक्खी, हमिंग बर्ड आदि भी बहुत आते हैं। इसके बीजों को ग्रो करने का बेस्ट टाइम जो है वो है अप्रैल में। बीजों को मिट्टी पे बिखेर दें और मिट्टी की एक फाइन लेयर जो है वो सीड्स के ऊपर चढ़ा दें, साथ ही मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखें। 4 से 6 दिनों के अंदर बीज जो है वो अंकुरित हो जाएंगे। अगर आप इसे ज़मीन पे लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखें और अगर आप इसे गमले में लगाना चाह रहे हैं तो 8 से 10 इंच का गमला लें और उसमें एक पौधा लगाएं। इसकी पॉटिंग सॉइल के अंदर नमी बनी रहे इसके लिए आप 1 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग जो है वो कॉकोपीट लेकर के इसका सॉइल मीडिया तैयार करें। ड्राई कंडीशन में ये प्लांट अच्छे फूल नहीं दे पाता है और इसे बार बार फर्टिलाइज़र की देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो मिट्टी तैयार करते समय ही इसे अच्छा फर्टिलाइज़र दे दें। फ्लावरिंग के समय लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो 15 से 20 दिन में दिया जा सकता है। पानी इस प्लांट को मिट्टी चेक करके ही दें। अगर तापमान ज़्यादा है और प्लांट आपका गमले में लगा है तो रोज़ाना पानी दें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।